बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मटन तहरी बना रही हूँ। आपने बिरयानी और पुलाव तो बहुत खाए होंगे, लेकिन इस तरह मटन तहरी बना के देखें, ये बहुत मज़े की बनती है। सबसे पहले एक देचकी में 1.5 कप ऑयल डालें और प्याज 2 बड़े साइज़ के काट के डाल दें। जब प्याज ब्राउन हो जाएं तो 1.5 किलो मटन डाल दें। मैंने रान का गोश्त लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 4 बड़े साइज़ के टमाटर डाल के थोड़ा सा मिक्स कर लें। मसाले डालने हैं लाल मिर्च 2 टेबल स्पून, नमक हसबे ज़ायका, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टीस्पून, जायफल जावित्री का पाउडर 1 टेबल स्पून, साबुत ज़ीरा 1 टेबल स्पून और साबुत गरम मसाले, ये बादियान के फूल 2 लेने हैं, दालचीनी 2 लेनी है, लौंग 6 से 7 लेनी है, बड़ी इलायची 3 डाल के मिक्स कर लें अच्छी तरह और ढक कर टमाटर गलने तक पकाएं। उसके बाद 1/2 प्याली दही डाल दें। फिर ढक कर पकाएं थोड़ी देर ताकि टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। अब अपने चावलों के हिसाब से पानी डाल लें। मैंने 1 किलो चावल लिए हैं और 1.5 किलो मटन लिया है और मैंने 8 ग्लास पानी डाल दिया है। अब ढक के इतनी देर पकाएंगे गोश्त अच्छी तरह से गल जाए, 1 घंटा लगेगा। उसके बाद चावल डाल दें। चावलों को मैंने 1/2 घंटा पहले भिगो दिया था। 1 किलो चावल हैं। अब 2 छोटे साइज़ के नींबू का जूस डाल दें। 4-5 सब्ज़ मिर्चें काट के डाल दें। जब पानी इतना रह जाए तो नमक चेक कर लें। अब इसको ढककर 20 मिनट के लिए हल्की आग पे दम दे दें। अब चावलों को दम हो गया है, चावल अच्छी तरह से गल गए हैं। अब इसको डिश में निकाल लें। मटन तहरी तैयार है। ये बहुत मज़े की बनी है। आप इसको रायता या सलाद के साथ सर्व करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में बताएं कि कैसी बनी है।